तो मेहमान जुड़ रहे हैं, पीकेडी नामब्यार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ जैस्मिन शाह हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। पीकेडी नामब्यार, जांच होनी चाहिए इसमें, क्योंकि खेल के नियम समान हैं सबके लिए सभी समय पे, तो जांच यहां पर भी होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? जहां तक आपको पता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो फाउंडेशन ही झूठ, धोखा और हिट एंड रन से जुड़ा हुआ है। आपको शुरू से पता है कि हिट एंड रन, ऐसे कोई नेता हिंदुस्तान में जन्म नहीं हुआ था जो उस लेवल पे, जिसके ऊपर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही नहीं लगाया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरा दुनिया को पता है, हर किसी एक एक व्यक्ति से, चाहे अरुण जेटली जी हो, नितिन गडकरी जी हो, इवन शीला दीक्षित, उनकी तो पूरी आधार जो है वो आंदोलन पे है, सच पे है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। विटनेस स्टेटमेंट है ये, और ये जो तो है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पीकेडी नाम भी यार झूठ पे होगा या जो भी होगा, आप आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि जांच से क्यों कतराते हैं? एलजी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैं मेरा जो कहना है वो तो पूरा, तो मेरे प्रस्ताव तो पूरा रखने दे दीजिए ना। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो इनका जो छवि है शुरू से लेकर हिट एंड रन का है, ये मेरा कहने का है। Okay. तो कोई भी विश्वास नहीं करेंगे जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी या उनके कोई भी जो प्रवक्ता आके कहेंगे कि उन्होंने झूठ, उन्होंने चोरी किया, इनका इधर से करप्शन है, करप्शन है। करप्शन का डेफिनेशन ही नाउ आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर बदल दिया है। जो सच कहूं तो मैं भी दिल्ली में रहने वाला हूं, हम सब लोगों ने देखा हुआ है कि ये किस आशा के साथ, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का जनता ने चुनकर भेजा था। आज की डेट में सिर्फ लिकर पॉलिसी के ऊपर करप्शन चार्जेस है क्या? आप क्लासरूम्स, अगर एजुकेशन के ऊपर आपका करप्शन चार्जेस है, जिस चीज के अंदर भी आम आदमी पार्टी एक एक चीज के अंदर जो जो किया हुआ, एडवर्टाइजिंग एक अगला जो आने वाला है, जो विज्ञापन के ऊपर इतना बड़ा जो करप्शन चार्जेस अभी आने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, तात्पर्य सिर्फ यह है कि दैट सिर्फ बात बदलने के लिए, सिर्फ ड्रामा करने से कोई भी सत्य बदलने वाला ठीक नहीं है। तो आपका प्रस्ताव यह है कि झूठ का आधार है और ये सिर्फ बात बदलने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जान भटकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब फिर मैं वापस अपने सवाल पे आती हूँ। मान लीजिए ये ड्रामा कर रहे हैं, झूठ के लिए कर रहे हैं, पर दो लोगों की रिटर्न स्टेटमेंट है जो वहां पे कैशियर थे, तो अगर खादी ग्रामोद्योग में घोटाला हुआ जो 1400 करोड़ का, इस समय इनकी मांग ये है कि जांच होनी चाहिए, तो जांच की मांग करना क्या गलत है? मैं बिल्कुल ये चीज के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि किसी ने, अगर उसका जो भी इन्होंने जो सामने रखा हुआ, इनके ऊपर एकदम विश्वास नहीं कर सकते। एक इनिशियल इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। राज्यपाल ने भी, जी ने भी अभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो टिप्पणी देंगे, आज नहीं तो कल। जैसे ही वो हो जाएगा, अगर जरूरत है तो इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। इसमें क्या है, इंक्वायरी होने से कोई डरना नहीं चाहिए। जो अभी आम आदमी पार्टी कह रहे कि वो सीबीआई और ईडी का रेड को स्वागत किया है, कम से कम मैं 50 ऐसे चैनलों में अलग अलग लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ताओं के साथ डिबेट किया था, कभी स्वागत नहीं किया, उल्टा ये किया कि विक्टिम कार्ड, और जो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, बॉलीवुड तो छोड़ दो, हॉलीवुड से भी बड़ा अभिनेता बनकर, नेता नहीं अभिनेता का रूप में आम आदमी पार्टी का केजरीवाल और उनके जितनी भी प्रवक्ताओं को मैंने टीवी पे देखा है, और आज अचानक 4 दिन के बाद, आप एक बात बताइए नगमा जी, जिस पार्टी के पास लगभग 70 सीटों में से 62 के आसपास सीट खुद का है, वो खुद कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये क्या हिंदुस्तान का जनता आज के 2022 के अंदर हिंदुस्तान का जनता, इन्होंने आपको बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के अभिनेता बता दिया। जी नहीं, मेरे ख्याल से वो भी मिलना चाहिए, मैं तो उल्टा आगे क्या हालात, पहली बार नगमा जी, पहली बार पीकेडी नामब्यार, सीबीआई का विरोध नहीं किया, इनके ऊपर 150 मामले चल रहे हैं और कहीं भी कन्विक्शन नहीं हो रहा है। एक मिनट, सिर्फ कन्विक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए, और ये सरकार ठीक से चला ना पाए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। पीकेडी नामब्यार, मैं तो सिर्फ मैं भी ये कहूँ, आज जो ये आज एलजी के ऊपर आरोप कर रहा है, इसको मैं ये कहूं कि ये सिर्फ गुमा पूरी तरह से जो इशू है लिकर तो पॉलिसी एजुकेशन के ऊपर लगे तो गुमराह हो रहा जो उसके ऊपर उनके काउंटर आरोप करके जो आपके आप कितना दुगलापन नगमा जी उनको कह दीजिए, कहने दीजिए, ठीक है।
जी मैं सिर्फ ये बोलिए। कह रहा हूं कि नगमा जी, हाँ नगमा जी ये कहना चाहता हूं कि आरोप के ऊपर प्रत्यारोप करने से जो आपका सत्य है जैसे उन्होंने कहा वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये सत्य ये है कि दैट आप लोगों का हिट एंड रन का जो एक स्ट्रैटेजी है एक लेवल तक, मैं खुद अपने आप को एक मार्केटिंग एक्सपर्ट मानता हूं। से क्या मतलब ये है इसके आपका? हिट एंड सी देखो उन्होंने हर किसी के ऊपर किसी के ऊपर भी आज तक इन्होंने आरोप किया है, किसी के ऊपर एक प्रूफ और प्रस्ताव इन्होंने सामने लेके आया है। आज तक आप कहिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने किसी के ऊपर भी आरोप किया है, किसी भी चीजों के ऊपर कोई कोई डॉक्यूमेंट कोई असली तो लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी आरोप लगाया उसका कोई तथ्य सामने नहीं था, कोई आधार नहीं था, पर वो भी यही कह रहे हैं कि आपने 150 ठीक है नाम भी उनके ऊपर मामले चल रहे हैं, किसी ने कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, क्या वो भी हिट एंड रन है? कन्विक्शंस नहीं हो रहे हैं वो भी, उसको भी वो हिट एंड रन कह सकते हैं आम आदमी पार्टी भी, कि मामले तो कहीं पे कन्विक्शन नहीं हुआ है ना, रेड पे रेड हो रही है, कुछ सबूत नहीं मिल रहे हैं। जी नहीं सबूत, ये एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक रेड कोई भी एजेंसी जो करते हैं सिर्फ वो कैश रिट्रीव करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने के लिए होगा क्या? मैं और आप इधर बैठ के डिसाइड कर सकते हैं क्या सीबीआई का जो काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, ईडी का क्या होना चाहिए? उनका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में सब लोगों को भाग, अगर जिसको जरूरत है उसको हेल्प करना। सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल सुन लीजिए जी, बोलिए। अगर इनकी बात में थोड़ी भी सच्चाई होती तो मुझे बताइए 2016 में भी मनीष सिसोदिया के घर पे रेड पड़ी थी, तब क्या कहा था कि नहीं एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा स्कैम कर दिया, सीबीआई की रेड पड़ी थी। आज 6 साल हो चुके हैं, मुझे बताइए उस केस में क्या हुआ? तो आप अपनी हार खुद मान रहे हैं, इतने जो केसेस आपने पीछे लगाया, फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जांच ना हो, सारी जांच एजेंसियां आए। आज हमारी केवल एक सवाल का जवाब मैं दे आपका, वो सवाल विनय सक्सेना घोटाला किया है जैस्मिन जी, आपने सवाल पूछा है उसका जवाब सुन लीजिए। वालों को सवाल पूछ सुन, बोलिए 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 पीके दी नाम पे थोड़ा धीरे। हाँ। आपको सवाल पूछते हुए जवाब सुनने का भी क्षमा रखो, सिर्फ ये है कि अगर आपका हिंदुस्तान के अंदर जुडिशरी के ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं है, अगर सिर्फ बीजेपी और ईडी और सीबीआई एक बार तो आपके ऊपर छापा मार सकते हैं, दैट उसके बाद तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सब जुडिस मैटर। अगर हिंदुस्तान इसी तरह से, अगर आपसे मैं वापस पूछता हूं, आप नितिन गडकरी के ऊपर, अरुण जेटली के ऊपर, माननीय शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते हुए आप बनते आया है आज की डेट में, आम आदमी पार्टी का नींव रचा है इन लोगों के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल हमारे पास इतना ही वक्त है, आप दोनों लोग यही कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करें, जो आरोप लगे उस पर चर्चा करें, तो आप चर्चा एक्साइज पॉलिसी पे नहीं करना चाहते हैं, और आप चर्चा एलजी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर नहीं करना चाहते, और दोनों ही कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे पर रहे हैं हम। एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनके ऊपर पर्सनल कोई आरोप करेंगे तो वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, उनके ऊपर आरोप होगा तो उनका काम है कि वो आरोप विटनेसेस ने लगाया है, जवाब दे दे। नगमा जी बात ये हो रही है कि एक्साइज पॉलिसी की अगर आप एफआईआर पढ़ें, सवाल ये पूछ रहा हूं, आरोप था कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ, आपने 8 साल 1 करोड़ के घोटाले में अगर ये लोग 2 महीने से लगे हैं तो 1400 करोड़ के घोटाले पे थोड़ी तो जांच हो जानी चाहिए, थोड़ी तो बहस हो जानी चाहिए। 8 साल के अंदर, आप कह रहे हैं कि अगर कम लगभग 8 साल के कम बड़ा घोटाला है उसमें जांच हो रही है तो 1400 करोड़ के घोटाले में भी जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, बात वही की वही है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर